शुक्रिया उपसभापति महोदय, मैं देख रहा हूँ कितना दिखा रहा है। तीन मिनट दिखा। शुक्रिया, शुक्रिया उपसभापति महोदय। एप्रोप्रिएशन बिल है, लेकिन बाकी कई सदस्यों ने बजट में जो उनकी आकांक्षाएं थी उसके संदर्भ में चर्चा की है, लेकिन मैं एप्रोप्रिएशन में थोड़ा फोकस करूंगा और फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन को लेकर के जो मेरी पहली चिंता है, और वो चिंता इस बिल को लेकर के नहीं है माननीय वित्त मंत्री साहब, वो चिंता इस बात की है कि आज हम पुडुचेरी एंड जैन के लिए उनके काम काज खर्चे के लिए, मुझे स्मरण है कि देखते देखते जम्मू कश्मीर राज्य से यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गया। तो मैं तमाम दलों से आग्रह करूंगा जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी चुप्पी से कि अगले बार आपका अप्रोप्रिएशन बिल यहां सदन में आए। ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था सर। सर दूसरा, आज आपका जन्मदिन है, कल मेरे राज्य का जन्मदिन था बिहार का, हमें किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी। आज मैं शुभकामनाएं चाहता हूं सबसे बिहार के लिए। सर बिहार का जन्मदिन था कल, शुभकामनाएं नहीं चाहिए सर, बिहार की कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। मैं लगातार इस सदन में कह रहा हूं, आपका ही दोष नहीं है, बिहार आपका थर्ड वर्ल्ड है, इस मुल्क का थर्ड वर्ल्ड बना दिया गया है बिहार। अगर आप चाहते हैं वैश्विक पटल पर आप आगे जाएं, तो आप बिहार के बगैर नहीं जाएंगे सर। बिहार बढ़ेगा आप बढ़ोगे, बिहार के लिए चिंता नहीं होगी तो मैं समझता हूं आप चिंता के पात्र हो जाओगे आगे चल करके। मुझे बहुत खुशी होती है जब अलग अलग राज्यों में जाता हूं सर, लेकिन सर एक रश्क होता है, एक ईर्ष्या होती है कि ऐसा निवेश का माहौल हमारे यहां क्यों नहीं है, हमारे यहां रोजगार के लिए क्यों नहीं है। ट्रेन में भर भर के लोग, अभी उस दिन भी मैंने एक्स्ट्रा ट्रेन मांगी थी माननीय रेल मंत्री जी से कि ट्रेन दे दो। क्यों? क्योंकि पूंजी के समक्ष श्रम को आत्मसमर्पण करवाना है, तो हमने आग्रह किया था, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से, बड़े संजीदा लोग हैं, वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन क्या वो चाहेंगे कि बिहार पिछड़ा रहे, बिहार इस मुल्क में एक ऐसी हकीकत के रूप में रहे जिसको आप देखना नहीं चाहेंगे। माननीय वित्त मंत्री साहब, बिहार पे नजरे इनायत बढ़ाइए, बिहार को चुनाव के अतिरिक्त भी देखिए। बिहार सिर्फ वोटिंग स्टेट नहीं है, लेबर प्रोवाइडिंग स्टेट नहीं है, एक राज्य है, आकांक्षाओं का राज्य है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरी आर्थिक हालत बहुत खराब है पूरे देश की, और मुझे कभी कभी लगता है, कभी कई दफा मैं दोनों वित्त मंत्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखता हूं, और मैंने कहा था चिंता की लकीरें अरे चिंता क्यों नहीं होगी, चिंता तो होनी चाहिए, यह अच्छी बात है, हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन चिंता है सर। दिक्कत क्या है ना, उस चिंता का आज तो हैप्पी बर्थडे है आपका, एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि वो चिंता तब्दील होनी चाहिए इंपेरेटिव्स में और डुएबल में। मैं ये कहूंगा कि एक शेर है माननीय वित्त मंत्री साहब, जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल का इरादा कौन करे। तो मैं शिकस्ता कश्ती में, लेकिन बस दो तीन पॉइंट बोलने दीजिए छोटे छोटे से, आप दूसरों को थोड़ा, आपने एक मिनट डेढ़ मिनट दिया है तो आज मैं बिहार के संदर्भ में जो मैंने बात कही उसके बाकी चीजों पर मैं फाइनेंस बिल में बोलूंगा। सर अभी मनरेगा, जिसके बारे में उसको रिडिक्यूल किया जाता था कि मॉन्यूमेंट ऑफ फेलियर है, उस मनरेगा ने इस देश की जान बचा ली है सर इस कोरोना काल में। आप मनरेगा को लेकर के एक नया दृष्टिकोण विकसित करिए, मैन डेज बढ़ाइए और वेजेज बढ़ाइए। ये मैं चौथी दफा आग्रह कर रहा हूं, मैन डेज बढ़ाइए, वेजेज बढ़ाइए, और एवेन्यूज ऑफ एंगेजमेंट वो भी बढ़ना चाहिए। सर मेरा मानना है कि शिक्षा पूरे देश में, मैं खुद एक शिक्षक हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, एमए के स्टूडेंट होते हैं सर, लेकिन मैं डिजिटली जब क्लास ले रहा हूं तो मैं फर्क देखता हूं कि कौन कौन से बच्चे एक्टिव हैं और कौन कौन से वीडियो भी ऑफ करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर हम इस निजाम में हमने बदलाव नहीं किया, इस हकीकत में बदलाव नहीं किया, 30 सेकेंड दे दीजिए, 30 सेकेंड, बस 30 सेकेंड, उसमें जय हिंद का भी एक हिस्सा होगा। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक बार शिक्षा पर
पुनर् शिक्षा पर एलोकेशन पे पुनर्, जी सर, जी सर, जी शिक्षा और स्वास्थ्य पर पुनर्विचार करिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस कोरोना काल में जो डिजिटल डिवाइड है वो इतना बढ़ जाए कि तमाम आपकी कोशिशों के आप उसको पाट नहीं पाएंगे। और मेरा आखिरी जय हिंद करने से पहले सर, मैं रेलवे के बारे में कहूं कि रेलवे में आप देखिए, ये जब मेरे एक साथी ने कहा था, मैं वैसा वैसे तीखी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे गांव में अक्सर ये कहा जाता है कि जो बाप दा के गले बेच दल के सबटा, मतलब पिता कुछ दे के गए थे आपने सब बेच दिया। सृजन करना चाहिए, जो पूंजी होती है ना उसमें जोड़ना चाहिए। मूलधन खा जाने वाली निजाम को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर।